तो हमारे सामने देख सकते हैं पूजन स्टार्ट हो चुका है। सभी भक्त अपना जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से अपना पूजा पाठ की प्रक्रिया, क्योंकि महाराज जी का जो होता है, जो सिस्टम होता है, किस प्रकार का होता है, और वो आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम जुड़े हैं इसमें पंडोकर धाम से। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे हवन चल रहा है। हवन में किस तरह की प्रक्रिया होती है लोगों के द्वारा, उस तरह के हम दिखाएंगे, क्योंकि हवन की प्रक्रिया जो कथा होती है वो समाप्त हो चुकी है। और हवन का यहाँ पे आपको जो परिक्रमा करना होता है हवन कुंड का, तो लोग हवन कुंड का परिक्रमा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से लोग हवन कुंड का परिक्रमा करते हैं और क्या होती है और किस तरीके से किया जाता है। तो मिलते हैं उस स्थान पर, तब तक के लिए जय श्री राम। तो देख सकते हैं हवन कुंड है, और यहाँ से जो भक्तों का पूजा पाठ हवन चल रहा था वो इस हवन कुंड में आए और हवन कुंड में अपना परिक्रमा करेंगे। इसके बाद पूजा पाठ करेंगे, किस तरीके का होता है यहाँ का पूजा पाठ आपको देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, हम दिखाएंगे इसमें हम पंडोखा धाम से जुड़ रहे हैं और किस प्रकार का हवन कुंड में पूजा होता है वो आप दिखेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार का हवन कुंड पूजा चल रहा है। तो ये पूरा हवन कुंड है, आगे वहाँ देखते हैं वीडियो में। देख सकते हैं सभी भक्त निकलना प्रारंभ कर दिए और अपने अपने जोड़ी के साथ इस हवन कुंड का समापन करेंगे। किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। हम इस समय जुड़े हैं पंडोखर धाम से, और किस प्रकार से काफी अच्छा स्थान है, यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है और जो इसका यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद इसकी प्रक्रिया होती है पंडोखर धाम में। तो ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको वीडियो। देख सकते हैं सभी भक्तगण अपने टाइम से निकल रहे हैं बाहर की ओर, पूजा पाठ की तरफ निकलेंगे और इस तरह की परिक्रमा करेंगे, इस तरीके से परिक्रमा करते हुए चलेंगे। प्रक्रिया समाप्त हो रही है यहाँ पे, हवन किस प्रकार से चलता है आप लोग से जुड़ेंगे पंडोखर धाम से, तब तक के लिए बने रहेगा वीडियो में। आगे की प्रक्रिया हम दिखाएंगे महाराज जी से मिलकर, पर उस समय के लिए बने रहेगा। देखिए किस तरीके से लोग अपना पूजा अर्चना करते हैं, इधर से ही आते हैं सभी लोग और ये हवन कुंड हो जाता है जहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का हवन कुंड है। और इधर देख सकते हैं महाराज जी का कथा, जहाँ पे कथाएं चलती रहती हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे हवन कुंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि यहाँ पे चलाया जाता है महाराज जी के द्वारा। जो हवन होता है, जो जिन लोगों को हवन लिखा जाता है वो लोग हवन करते हैं, इसी कुंड में करते हैं और इसके साथ इसकी प्रक्रिया परिक्रमा लगाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी मिलते हैं आपको, क्योंकि अभी परिक्रमा स्टार्ट होने वाला है, तो हम वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके का यहाँ का हवन परिक्रमा स्टार्ट होता है। तो बने रहेगा ब्लॉग में, जय श्री राम, राधे राधे। जैसा कि बता दें, देख सकते हैं यहाँ पर परिक्रमा स्टार्ट हो गया है। जो लोग भक्त लोग का हवन था, हवन की परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं यहाँ पे हर एक इस तरीके के खम्भ पिलर बनाए गए हैं, उस पर पिलर पे जिस देवता होते हैं या तो जिसे ग्रहों का, साम देव, वेदों का, सबका पूजा कराया जाता है इन भक्तों से। और हमारे सामने देख सकते हैं सभी भक्त लाइन में खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हो भक्तों का हवन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हवन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और महाराज जी लोग अपना पूजा पाठ करवा रहे हैं। इस प्रकार से हवन की पूजा होती है, एक गुरु जी हैं वो आगे पूजा करवाते जाते हैं और बाकी लोग अपना पीछे पीछे पूजन पाठ करते रहते हैं। इस प्रकार से सोम देवता का यहाँ पे पूजन हो रहा है, इस प्रकार से सभी भक्त पूजन करते हैं और इधर भी देख सकते हैं सभी भक्त आ रहे हैं और पूजन करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे सोमदेव की जो मंत्र होती है वो गुरुजी पढ़ रहे हैं, बाकी भक्त पीछे पीछे अपना पूजन पाठ कर रहे हैं।
इस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगती है और हवन होता है। हवन की सामग्री सरस्वती जी की महाराज जी के पास उपलब्ध होती है। हवन की एक चंदा होती है जिसे आपको कटवा कर इस हवन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। देख सकते हैं सामने गेट से लाइन स्टार्ट होती है और इस तरीके का कुछ स्टार्ट होते हैं, लाइन दूर तक जाती है। जो भक्त लोग आते हैं सामने हमारे सामने देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा मनमोहक दृश्य। और यहाँ पे मंत्र गुरु जी के द्वारा पढ़ी जाती है, सारे भक्त उसी मंत्र को फॉलो करते हैं, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इस पर महाराज जी का जो पंडित जी होते हैं जो हवन कराते हैं उनकी प्रक्रिया को लोग भक्त लोग अद्भुत तरीके से अपना फॉलो करते रहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं वीडियो में हम मिल रहे हैं आपको लास्ट तक दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके रख देना। हम इस समय जुड़े हैं पंडोखर धाम मध्य प्रदेश दतिया से। हमारे सामने देख सकते हैं पूजन स्टार्ट हो चुका है। सभी भक्त अपना जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से अपना पूजा पाठ की प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी जो होता है जो सिस्टम होता है किस प्रकार का होता है और वो आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। क्योंकि हवन की प्रक्रिया को आप कह नहीं सकते किस प्रकार से हवन समाप्त हो। हमारे सामने हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके की हवन की प्रक्रिया है। और यहाँ पे हवन का कुछ इस तरीके से चक्र लगाते हैं पूजन पाठ के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया।